राइट फ्रेंड्स तो आपका जो चैप्टर थ्री है ये चैप्टर थ्री में एक आपका कंसेप्ट है काइजेन कॉस्टिंग करके ना ओके और काइजेन कॉस्टिंग छोटा सा है कॉन्सेप्ट है और ये, ये मतलब काफ़ी एग्जाम में आ जाता है मतलब काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से काय काई एंड जैन ये एक जापानी वर्ड है काइजैन काय मीन्स चेंज ओके और जैन मीन्स फॉर बेटर इंप्रूवमेंट के लिए ये बात करता है ओके okay? इसके लिए मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं नोट्स आपके स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 3.2 से पेज नंबर 3.2 से आपके नोट्स स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स पेज नंबर 3. पॉइंट पेज नंबर 3.2 से पेज नंबर नंबर थ्री पॉइंट टू से आप क्या? स्टार्ट होता है ये मैंने नोट्स भी बना के दिए और एकदम एक एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल केस स्टडी भी आपके सामने लेके आया हूं। फिर वैलिड इनवैलिड जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है उसके अलावा दो केस स्टडी और मैंने डाली है में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वैलिड इनवैलिड कर देता हूं फिर आप देख लीजिए ओके कॉस्टिंग दिस इज ए काइजन कॉस्टिंग काइजेन कॉस्टिंग काय जेंग काय मीन्स चेंज एंड दिस इज फॉर बेटर पेज नंबर थ्री पॉइंट टू से स्टार्ट हो रहा है अपना जो मेरे नोट्स हैं आप उनका प्रिंटआउट ले लीजिए और उससे आप स्टार्ट करिए एंड दिस इज योर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किस में कर सकते हैं आप नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं नंबर टू प्रोडक्शन में नंबर थ्री कस्टमर नीड नंबर फोर पैकिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन नंबर फाइव सिक्स सर्विस क्वालिटी एक्सेट्रा काइजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलता है द सिस्टम सिक्स ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द एक्जिस्टिंग सिचुएशन एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट आप इनकर नहीं कर सकते कंटिन्यूस uh, इंप्रूवमेंट है स्लोली स्लोली धीरे 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 आपको करना है लेकिन एक मिनिमम बियर कॉस्ट पे चाहिए आपको आप ऐसा नहीं है कि एकदम Uh, कुछ भी कॉस्ट करके ह्यूज कॉस्ट आप इनकर नहीं कर सकते मतलब मिनिमम कॉस्ट पे आपको करना रहेगा टू एनकरेज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज देर आर नो लिमिट टू लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड धीरे 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 मतलब जिंदगी भर आपका ये चलता रहेगा ऐसा नहीं है कि ऐसा कर दिया तो काजन स्टॉप हो जाएगा वैसा नहीं काजन इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड एंड देन कंटिन्यू इंप्रूवमेंट Improving these standards to achieve the long-term sustainable improvements. The focus is on eliminating waste, improving system and improving productivity. Involve all the employees, all the areas of the सारे लोगों को इंवॉल्व होना है. Are you getting? All employees, okay? फिर आपका मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए. Continuous improvement है. There is no limit. सबको साथ में काम करना है. कहाँ कहाँ हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में पैकिंग में प्रोडक्शन में कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कस्टमर नीड सर्विस क्वालिटी एक्सेट्रा अब आप देखिए एक केस स्टडी नंबर वन में आपको कराता हूँ टू एंड थ्री एकदम सिंपल है आपके मॉड्यूल से लिया है आप देख लेना अपना केस स्टडी है अपना वैद्यनाथ का है पतंजलि का है वैद्यनाथ नो काइजन पतंजलि यस काइजन पेटेंट सेवन फिफ्टी थे वैद्यनाथ के पास थ्री फिफ्टी थे पतंजलि के पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वैद्यनाथ हंड्रेड ईयर्स और अपना पतंजलि टेन ईयर्स बिजनेस आयुर्वेदा आयुर्वेदा टर्न ओवर सेवन फिफ्टी और अपना पतंजलि का मोर देन टेन थाउजेंड करोड़ फोकस ऑन एफ एन सी जी प्रोडक्ट पर नो यस ये टूथपेस्ट था इनका ये दंत क्रांति लेके आए वॉर्न बिटा था ये पावर बिटा लेके आए इंप्रूवमेंट इन पैकेजिंग नो no, जड़ी बूटी राइट यस एफ एम जी सी नो चेंज ओवर ए टाइम और बाबा ने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया नो इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर नीड इम्प्रूव इन कस्टमर नीड नोकिया फोन सैमसंग कोडक निक्सन और ओनिडा सोनी अब आप आ जाइए वैलिड इन वैलिड पर काफी अच्छा ये आपका ये है देखिए जना पेज नंबर थ्री पॉइंट फाइव पे आ जाओ आइए Kaizen costing basic concept. XYZ Limited is planning to introduce Kaizen costing approach in its manufacturing plan. State with whether and why the following are valid or not in respect of Kaizen costing. VP Finance is of the view that company has to make a huge initial investment to bring a large scale modification in production process. Answer is no. यूज इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते देखिए जरा इनवेलिड काइजन कॉस्टिंग इज द सिस्टम ऑफ कॉस्ट रिडक्शन प्रोसीजर विच इन्वॉल्व मेकिंग स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टू द प्रोडक्शन नंबर टू हेड पर्सनल हैज मेड पॉइंट एट प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ काइजन कॉस्टिंग डज नॉट एलिमिनेट द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज वैलिड द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इज ए वेरी मच a long-term and ongoing process in kaizen costing approach training enhances the ability of the employees general manager manufacturing firmly believes that only soft floor employee are workers involved in per requisite of kaizen costing approach invalid kaizen costing approach involves everyone from top management level to soft floor employee every employee active participate in a मस्ट रिक्वायरमेंट सबको साथ में आना पड़ेगा करके ना मैनेजर ऑपरेशन हैज कंसर्न अबाउट क्रिएशन ऑफ कंफ्यूजन एमंग एम्प्लॉय एंड वर्कर्स रिगार्डिंग देयर रोल एंड डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन इनवैलिड दो द एम ऑफ काइजन कॉस्टिंग इज रिड्यूस द कॉस्ट बट द सेम टाइम इट ऑल्सो एम टू मेंटेन द क्वालिटी काइजन कॉस्टिंग ऑल्सो एम टू ब्रिंग द क्लैरिटी इन रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर ऑल एम्प्लॉय सही है सुनो तो इतना आप जरा देख लीजिए आपका काम हो जाएगा बाकी की दो स्टडीज आप देख लीजिए थैंक यू